जय हिंद एवरीवन। भाई ये सब क्या चल रहा है यार, एक तो कोई भर्ती नहीं आ रही है और भर्ती आ भी रही है तो पोस्टपोन हो जा रही है, और एक बार नहीं बार बार ऐसा हो रहा है। और यूपी टेट का अभी पेपर कराया जा रहा था तो 2-3 दिन पहले आप सभी लोगों को पता होगा वो पेपर लीक हो गया। तो ये सब कैसे हो रहा है भाई, जो अपने तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी कर करके इतना ज़्यादा अंदर से डिमोटिवेट हो चुके हैं। कितना ज़्यादा लोग मेहनत करके वहाँ पेपर देने गए होंगे और पेपर लीक हो गया। अभी कुछ रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कोई लड़की है जो आपस में बात कर रहे हैं सब, और ऐसे एक लड़की है जो बोल रही है दीदी बहुत पहुंच वाली हैं, उनके पास तो हर क्षेत्र के हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके पास, तो इसलिए पेपर उनके पास आ गया। तो कुछ लोग जुगाड़ से परेशान हैं और कुछ लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं, पता नहीं चल रहा है कौन असली हीरो है और कौन नकली हीरो है। तो ये आप लोग आइडियो सुनो भाई, मतलब कोई बात कर रहे हैं सब, आप सभी लोगों को पता है पेपर यूपी टेट का होने वाला था, लाखों करोड़ों लोग पेपर देने गए थे और वहाँ जाकर ऐसा नहीं था, सब लोग किसी स्टेशन पर कैसे सोए होंगे, रात बिताए होंगे, कैसे घर से गए होंगे, पैसे की कितना प्रॉब्लम होगी, कितना दिन तैयारी किए होंगे, तो सारा का सारा मतलब चौपट हो गया, पेपर ही आउट हो गया। अभी हाँ मानता हूँ पेपर कराया जाएगा, लेकिन इतना मतलब इतना आसान नहीं होता है। अगर आप पेपर करा रहे हैं तो पेपर आउट करना इतना आसान नहीं होता, ये सब बड़े बड़े लोगों की बात होती है जो बहुत बड़े होते हैं। मार दी नहीं हिंदी संस्कृत, 5:10 हमारे में 10:50 पे हुआ है, नहीं 10:10 मुश्किल से भी हुआ था, तब तक अनाउंस हो गया है तुरंत, हर रूम को लगा था ना अनाउंस हुआ है कि किसी अपरिहार्य कारण से आप लोग का पेपर स्थगित किया जा रहा है और आप लोग अपना बुकलेट और मतलब दोनों से आप लोग सबमिट करके और आप लोग जा सकते हैं। बताओ कैसे दीदी पेपर हो पाई थी? अरे भाई दीदी टीचर है, उसको हर लाइन के लोग उसके पास है ना। तो भाई जल्दी आओ, मेरे घर पेपर आ गया है, गए हैं पढ़ने, कहीं वो करी मैथ कहा दी आई जाना, पढ़ ली जल्दी से पढ़ ही गई साला। अरे हमके मैथ सब आंसर याद हो गई लग यार तुरंत में। सुनो क्या क्या आंसर था, 3/4 था, 5 वर्ड था, शनिवार था, 9:59 AM था, 9:59 AM मारे थे, 9:59 AM था, उसके बाद 1 का 5 था, 1 का 20 300 था, मतलब ऐसे हमको सब सब याद, 1 का 5 वर्ष था, हमको सब मैथों का आंसर याद हो गया। तुम जो पेपरवा देख के पहले 2 मिनट अब देवता बनाई होगी यार, सोचा नहीं है 150 में 50 नहीं मार, हमने तो पता चली थी अगला घंटे तू ही बन जाए, तू खाली 120 क्वेश्चन कर अब सही एकदम याद हो गया था क्या क्या जी और का यार। अच्छा जानती क्वेश्चन आंसर कैसे था, और टाइम भी तो था जब तुमको 7:00 पता चल गया था, सुनो बताया तुमको वो कर लिए थे सब जिराक्स करके, खाली हल्का से ठंडाई का नियम, ठंडाई का नियम नहीं है अभिवृत्ति का नियम, ठीक, कवक खाया जाता है, कवक खाया जाता है, बगल में उसका एक आंसर, उसका पूरा पूरा आंसर, चारों ऑप्शन नहीं था, था एक 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 आंसर था, तुरंत याद हुए साला, फिर फोन लेके गई है वहाँ, 9 बजे पहुँच गई है, पढ़नी है अरे पता है हम ना पेपर दे के निकले सेंटर के बाहर, तो लड़के सब ग्रुप में बात कर रहे थे कि हमरे लगे पेपरवा कल यहाँ आयल रहा, लेकिन हम डिलीट मार दिया नहीं, हम सोचने की आई कि ना आई पता नहीं, फिर पेपरवा देखे बड़ा दुख हो भल की हुए पेपरवा आयल बा, फिर हमको लगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे सब। 7:45 गई थी क्या यही पैदलगंज दीदी घर वहाँ? अच्छा क्या करोगी यार, अच्छी दोस्त है, अब जानते हो 1 महीने बाद पेपर होगा ना, बहुत टफ होगा वो तो सो है ही, गौरव कर 15 दिसंबर की वाला आचार संहिता लग जाएगा, पेपर होने का कोई संभावना नहीं है तुम लोगों का। वो भी सही बात है, चलो अब ये कह रहे हैं कि आए एक दोस्त के घर, मैं कृति के घर आए हैं,
बहुत दिन से कहीं गया नहीं थे, सोचा तुमको फोन मिला है, ज्योति को बुलाती तो चला जाता खाने उने, फिर तुम्हारा फोन वाले ना हमारे तेरे घर खाना ही हमें नहीं नहीं तो फिर तुमको फोन मिला है तो शायद गौरव या अन्नू कोई फोन उठाया है। गौरव को बताया कि विज्ञा का कॉल आया था। अच्छा नहीं मेरे पापा यहाँ कुछ लोग तैयारी करते करते परेशान है, पढ़ते पढ़ते परेशान है, और वहाँ कुछ लोग जुगाड़ लगाते लगाते परेशान है। तो ये पैसे वालों की जिन लोगों के पास पावर है पैसा है तो वो लोग साल भर पैसा जुटाते हैं, साल भर इससे बोलेंगे मेरा भर्ती करवा दो, साल भर उससे बोलेंगे मेरा भर्ती करवा दो, 14 लोगों के पास जाएंगे और लास्ट में पेपर लीक कर देंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? अगर ये सब हमेशा मतलब देखते रहेंगे, जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई तैयारी नहीं करेगा, सभी लोग जुगाड़ पर ही भर्ती होंगे, सभी लोग बस तैयारी नहीं करेंगे, साल भर पैसा ही 100% कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा, साल भर पैसा ही इकट्ठा करेगा, और जब पेपर होने की समय आएगी तो उस समय पैसा देकर पेपर लीक करवा लेगा, ठीक है ना?